हेलो दोस्तों, यहाँ पे पीएनपी ने यूपी टेट 2019 की परीक्षा का आंसर की जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यदि आपने अभी तक आंसर की डाउनलोड नहीं किया है तो आप यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर जाकर प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों आंसर की जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूं वहां से भी आप इसे डाउनलोड। इसके साथ ही प्रश्नों की आपत्ति को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया है, तो आइए उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले जो यूपी टेट की प्रश्नों पर आपत्ति होगी वह updlnet.gov.in पर जो है 14/1/2020 के दोपहर से 17/1/2020 तक की जा सकती है। इसके अंतर्गत 5 बिंदु बताए गए हैं। सबसे पहला बिंदु जो हमसे कह रहा है उसमें यह बताया गया है, टेट के प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न आपको ₹500 ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, और यह शुल्क जो है वेबसाइट पर जो लिंक दी गई है उस पर ही जमा करना होगा। यदि आप आपत्ति शुल्क जमा नहीं करते हैं तो आपत्ति जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरे पॉइंट में हमें बताया गया है कि यदि आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराते हैं उसके बाद विशेषज्ञों द्वारा इसे सही पाया जाता है तो परीक्षा फल घोषित होने के बाद आपका जो पैसा होगा उसे रिफंड कर दिया जाएगा, तथा यदि मान लीजिए आपकी आपत्ति सही नहीं पाई जाती है तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में यह बताया गया कि आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा राय लेने के बाद जो है एक अद्यतन उत्तरमाला यानी कि फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, और उस पर जो है किसी भी प्रकार का जो है प्रत्यावेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। चौथे पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के लिए वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का साक्ष्य या अभिलेख अपलोड नहीं करना है, और अभ्यर्थी जो है आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट में यह बताया गया है कि आपत्ति केवल जो है ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी, व्यक्तिगत पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी माध्यम से नहीं, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 17/1/2020 के बाद कोई भी आपत्ति जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। यह थी पीएनपी की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।